दीपावली के इस मौके पर महालक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न, कैसे आपके घर में होगी धन वर्षा, ये हम बता रहे हैं न्यूज नेशन के स्टूडियो में। और आपको हम बताने जा रहे हैं महालक्ष्मी के वो 10 महामंत्र जो आपको कर देंगे मालामाल। जी हाँ, इन 10 मंत्रों का आपने अपनी आवश्यकता अनुसार अगर जप कर लिया तो आप धन समृद्धि से आपका घर जो है वो भर जाएगा। और इस काम में हमारी मदद करेंगे वो तमाम अचूक मंत्र हमें बताएंगे पंडित राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, हर कोई मालामाल होना चाहता है, तो ऐसे में राजकुमार शास्त्री जी ये बताइए कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को कि ये मंत्र जो है कितने अचूक होने वाले हैं जो आप बताने जा रहे हैं, और कितना आपका अपने अपने दूसरे भक्तगणों को भी बताया होगा, कितना इनका सक्सेस रेट रहता है? पिनाश, मैं आपको बता दूं कि मन्नात त्रायते इति मंत्रः, जो मन ही मन में जप किया जाता है उसको मंत्र कहते हैं, और यह अमोघ होते हैं। अगर इनका ठीक तरीके से प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं है जो सिद्ध ना हो जाए। प्राचीन काल में हमारे समस्त दुखों का निवारण के लिए दो ही उपाय होते थे, या तो मंत्र होते थे और या फिर रत्न होते थे। जो आजकल सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पंडित जी, नोटबंदी के बाद, और जो व्यापारियों को सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है वो है रुका हुआ धन। तो जो धन कहीं है मेरा पर मेरे तक पहुंच नहीं रहा है, वो रुका हुआ है, कोई उधार लेके नहीं दे रहा है, कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, कोई और वजह से वो रुका हुआ है, तो इस दीपावली मेरा रुका हुआ धन मुझे वापस मिल जाए तो मैं क्या करूं, कौन सा मंत्र का जाप करूं और कैसे करूं? जी बिल्कुल ठीक, मैं आपको बतलाता हूं। महालक्ष्मी का एक ऐसा सिद्ध मंत्र है, अगर आप पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ विधि पूर्वक इस मंत्र का जप करेंगे, जो भी आपका मेहनत का कमाया हुआ धन है वो आपको वापस मिलेगा। वह मंत्र है, एक बार मेरे साथ में उस मंत्र को समझ लें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन पालनी लक्ष्मी, मम दारिद्र्यम नाशय नाशय, प्रचुर धनम में देहि देहि, क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। और इसका जाप कैसे करना? अब देखिए, इस मंत्र का जाप कैसे करना है ये आपको बतलाता हूँ। प्रतिदिन 10 माला इस मंत्र का जाप करना है, और मंत्र का जाप दीपावली से आरंभ करना है। लगातार आपने 10 दिन तक, यानी देव प्रबोधनी एकादशी तक, इस मंत्र का लगातार जाप करना है, 10 माला प्रतिदिन करना है। और देव प्रबोधनी एकादशी के बाद, एकादशी को ही संध्या के समय खस, इंद्रजौ, सफेद चंदन, जटावासी, पंचमेवा, शक्कर, अगर तगर, गाय का घी मिला करके सारी शाकल तैयार करें, और उसके बाद जो आपने जप किया है उसका दशांश हवन करें। इसके उपरांत किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोली बना करके खिलाएं। इतना करने से जो आपका रुका हुआ धन है शर्तियत आपको वापस मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर आप रुका हुआ धन प्राप्त कर लेंगे, आप मालामाल हो जाएंगे। अब अगला मंत्र है उन व्यापारियों के लिए जो अपने व्यापार में, अपने कारोबार में वृद्धि चाहते हैं, तो इस दीपावली पंडित जी वो कौन से मंत्र का जाप करें जिससे उनका व्यापार जो है वो फलने फूलने लगे, कोई बंदी उनके आसपास भी ना भटके? जी बिल्कुल ठीक पिनास, मैं आपको बताता हूँ कि व्यापार में वृद्धि के लिए हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी उपासना में एक मंत्र है, और वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं त्रिभुवन स्वामिनी महादेवी महालक्ष्मी लल लल हंग हह महाप्रभुत्वर्थ कुरु कुरु ह्रीं नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। अगर आप माला में करें तो एक माला प्रतिदिन जाप करना है, लेकिन ये ध्यान रखें कोई गैप नहीं आना चाहिए, 3 महीने तक लगातार इस मंत्र की साधना करें। अच्छा, ये 3 महीने करनी है? 3 महीने का, लेकिन इस मंत्र का जप दीपावली से आरंभ करना है, और जप के लिए समय अर्धरात्रि का होना चाहिए। थोड़ा तपस्या वाला मंत्र है, लेकिन जप के बाद आपको दशांश हवन करना है, तर्पण करना है, और उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराना है। 3 महीने के बाद जिस दिन से आप जप आरंभ करेंगे, आप देखेंगे कैसा अद्भुत चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त होगा, और उत्तरोत्तर आपके व्यापार में वृद्धि भी होगी। इन दिनों पंडित जी प्रॉपर्टी का काम जो है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, हर प्रॉपर्टी व्यापारी जो है वो परेशान है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, दाम नहीं बढ़ रहे हैं, गाज गिर रही है एक तरह से प्रॉपर्टी वालों पे, तो भाई वो सबसे ज्यादा इस दीपावली परेशान है, उनकी दीपावली अच्छी जाए जी, उसके लिए कोई मंत्र बताएं? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके लिए एक महालक्ष्मी का मंत्र है, इस मंत्र की साधना करें, अद्भुत चमत्कारी परिणाम उनके सामने आएंगे। मंत्र का उच्चारण मैं करता हूँ, ओम नमः विष्णु प्रियायै, ओम नमः कामाक्षायै, ह्रीं ह्रीं ह्रीं, क्रीं क्रीं क्रीं,
श्रींग 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 फट स्वाहा। अब देखिए इस मंत्र का आपने प्रयोग कैसे करना है। दीपावली की संध्या के समय 5 मिट्टी के दिए जलाइए और दीपक शुद्ध घी से होने चाहिए, रुई की बत्ती के होना चाहिए, लेकिन रुई की बत्ती को लाल करके जलाएं। पूरी रात दीपक आपके घर में, ये 5 दीपक अथवा एक अखंड दीपक जलता रहना चाहिए और स्वयं भी रात्रि में जागरण करना है। दीपावली की रात्रि को बिल्कुल सोना नहीं है। अगर आपको बीच में नींद आने लगे तो पुनः मंत्र का जाप शुरू कर दें। 108 माला आपने दीपावली की पूरी रात में 108 माला इस मंत्र का जाप करना है। प्रातःकाल दीपक जब आपके बुझ जाएं तो उसके बाद उसको नए वस्त्र में बांध करके तिजोरी में रख दीजिए। वो 5 दीपक तिजोरी में रख दीजिए और प्रतिदिन तिजोरी के सामने सायंकाल के समय 1 दीपक जला दीजिए और 5 बार इस मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। ये आप नित्य नियम करते रहें और इसके बाद आप देखेंगे प्रॉपर्टी में कितना आपको प्रॉफिट होता है, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। केवल मंत्र का प्रयोग करके देखें। एक और चीज आजकल जो सभी लोग हैं, सभी का कमोबेश निवेश होता है शेयर बाजार में। अब शेयर बाजार जैसे से ऊपर जाता है, देश भी तरक्की करता है, आम आदमी भी तरक्की करता है और जल्दी पैसा कमाने का सबसे अच्छा साधन है ये। और कई लोगों का तो मूलभूत कारोबार भी शेयर बाजार हो गया है इन दिनों। तो ऐसे साधक जो शेयर बाजार ही उनकी आय का मुख्य स्रोत है, वो क्या करें जिससे शेयर बाजार जो है वो उछाल लगाए, हमेशा सेंसेक्स ऊपर ही जाए, नीचे ना आए। जी देखिए, शेयर बाजार जो है ये देश के लिए भी उपयोगी है, देश का आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने लिए भी बड़ा उपयोगी है। जो शेयर बाजार से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके लिए मैं एक मंत्र देता हूँ और यह मंत्र बिल्कुल भगवती सरस्वती और महालक्ष्मी दोनों का मंत्र है, सम्मिश्रित मंत्र है। इस मंत्र का जाप बहुत लाभकारी रहेगा। मंत्र क्या है उस मंत्र को समझें। ओम सरस्वती भगवती माता क्रांग श्रींग श्रींग मम विद्या धनम देही फट स्वाहा। ये फट स्वाहा करके इस मंत्र का यहाँ तक जाप करना है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये समझें। विद्या या व्यापार, शेयर का व्यापार हो या अन्य व्यापारों में भी फायदेमंद है, लेकिन विशेष रूप से शेयर व्यापारियों के लिए। धन की अगर आपको कमी, ऐसा लग रहा है कि शेयर आपका डाउन हो रहा है, तो उस समय आप इस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र का जाप आपने प्रतिदिन 11 माला करना है, नियम पूर्वक 40 दिन तक करना है और दीपावली से इस मंत्र को आरंभ करना है। भगवान विष्णु के चरण चापती हुई माता लक्ष्मी का एक चित्र अपने घर में लगा लीजिए और उसी के सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करिए। आप देखेंगे शेयर मार्केट में कितना आपको लाभ होता है, उसका रिजल्ट आपकी श्रद्धा और विश्वास पर भी निर्भर करता है। बात करते हैं समाज के उस वर्ग की जो सबसे बड़ी तादाद में है और हमारे दर्शक भी एक बड़ी तादाद में उसी वर्ग से जुड़े हुए हैं, और वो है नौकरी पेशा लोग। नौकरी पेशा लोगों की दिक्कत होती है कि भाई इंक्रीमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, नई नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है। तो ये तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए कोई मंत्र है क्या इस दीपावली? जी देखिए, मैं पिनास आपको बतलाता हूँ, मंत्र महाशक्तियों से संपन्न होते हैं। मंत्र महामणि विषम व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। मंत्रों में वह शक्तियां हैं कि मनुष्य के किस्मत में भी जो नहीं होता है वह भी ला करके दे देते हैं, वसरते आपका श्रद्धा और आपका विश्वास कितना है ये उस पर भी निर्भर करता है। मैं नौकरी से जो जुड़े हुए साधक हैं उनके लिए बतलाता हूँ, यह ऐसा मंत्र है कि अगर उनके पास नौकरी नहीं है नौकरी भी मिलेगी, नौकरी है प्रमोशन नहीं हो रही प्रमोशन भी होगी। श्रद्धापूर्वक मंत्र को श्रवण करें और इसका उच्चारण करें, जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है यह समझें। दीपावली की रात्रि में कांसे की थाली में अष्टदल कमल बना करके पूजा करें। अनार की कलम से बनाए अष्टदल और अष्टगंध की स्याही का प्रयोग करें। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके थाली की स्थापना करें। अर्धरात्रि में इस मंत्र का जाप 10 माला करना है और 12,500 इसकी संख्या है। जब तक ये संख्या पूरी ना हो जाए उतने दिन तक आपने इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको लगता है कि मंत्र का जाप 12,500 करने में आपको लाभ नहीं हो रहा है तो इस मंत्र की संख्या आपने 1,25,000 करना है। और इसके साथ ही आपने जो करना है कि अमावस्या पर, हर महीने में अमावस्या आती है, हर महीने की अमावस्या पर अपने घर की पूरी साफ सफाई जरूर करें। इस तरीके से अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी
और अगर आपके पास नौकरी है तो आपकी प्रमोशन भी होगी। ये बिल्कुल सरतियत अनुभूत मंत्र है, इसका प्रयोग करके देखें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की पंडित जी जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान है कि भाई पैसा आता है लेकिन उससे ज्यादा कर्ज चढ़ जाता है, या फिर कर्ज इतना चढ़ा हुआ है कि जो पैसा आ रहा है वो कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जा रहा है और अंततः मेरे पास लक्ष्मी ठहर ही नहीं रही है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, इस दीपावली कैसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए मुझे? जी बिल्कुल, कर्ज से मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय लिखे हुए हैं और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र भी है, हनुमान कवच भी है, हनुमान जो है संकट मोचन भी है, लेकिन उसके साथ में आपको जो मंत्र दे रहा हूँ वह विशेष महत्वपूर्ण है और वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रियई नमो भगवती मम समृद्धौ ज्वल ज्वल मम सर्वसंपद देही ममालक्ष्मी नाशय नाशय हं फट स्वाहा। इस मंत्र के जाप की विधि ये है कि मंत्र का जाप आपने 21 माला प्रतिदिन करना है और जाप 21 दिन तक नियम पूर्वक करना है। नियम पूर्ण होने के बाद गाय के घी से 108 आहुतियों का हवन करना है। हवन में दुर्वा और पुष्प का प्रयोग करें। नियम पूर्वक एक माला, ये हवन के उपरांत एक माला प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते रहें, आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त होगा। तो अकूत संपत्ति पाने का, बेहिसाब धन पाने की इच्छा जो है पंडित जी सब में रहती है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको अकूत संपत्ति नहीं चाहिए, मौका मिले सबको चाहिए। तो ऐसे में कोई ऐसा मंत्र है आपके पास जो मुझे धनवान बना दे, मालामाल बना दे? जी देखिए पिनाश, मैं आपको बतलाता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की और इस रामायण की जो चौपाइयाँ हैं ये सभी सिद्ध मंत्र की तरह काम करते हैं। एक मैं आपको रामायण की चौपाई देता हूँ और यह निश्चित रूप से अकूत संपत्ति देने वाला मंत्र है। मंत्र क्या है, चौपाई है, जिम सरिता सागर महजाही यद्यपि ताही कामना नाही तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पही जाहि सुभाए। ये रामायण की चौपाई है। प्रतिदिन इस मंत्र का प्रातःकालीन चौपाइयों का 108 बार उच्चारण करें। सूर्योदय से पहले अगर आप इसका जाप करते हैं तो विशेष रूप से लाभकारी है। दीपावली और ग्रहण, दीपावली से इसका आरंभ करना है और अगर किसी कारणवश आप दीपावली से इसको आरंभ नहीं कर सकते तो ग्रहण में भी इसका आरंभ कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं उन जातकों की, उन लोगों की जिनकी संपत्ति विवाद चल रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति है, पैसा है, लेकिन वो लक्ष्मी जो है किसी ना किसी विवाद की वजह से बैठी हुई है पैतृक संपत्ति विवाद में। तो इस दीपावली उनकी पैतृक संपत्ति या किसी भी संपत्ति का विवाद जो है वो हल हो जाए, उसके लिए कोई मंत्र है? देखिए पिनाश, आपको बताता हूँ, पैतृक संपत्ति हर व्यक्ति चाहता है और पैतृक संपत्ति मिलना भी चाहिए क्योंकि वह हमारे घर परिवार के लिए शुभ मानी जाती है। इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि इस पैतृक संपत्ति का लाभ पाने के लिए छोटा सा मंत्र है, श्री महालक्ष्मी नमः। कुछ जगह यह मंत्र ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः भी मिलता है, लेकिन शुद्ध मंत्र है श्री महालक्ष्मी नमः। मंत्र का जाप प्रतिदिन 11 माला करें और जप का आरंभ दीपावली से करें। जप के लिए मंदिर अगर मिल जाए, मंदिर में बैठकर करें तो अत्यंत उत्तम है। जलाशय के अगर नजदीक बैठकर करते हैं तो वो और भी ज्यादा उत्तम है, लेकिन मंत्र का जाप श्रद्धा पूर्वक करें, कुछ नियमों का पालन करें, खान पान आचार विचार ब्रह्मचर्य आदि सात्विक भोजन का, ये सारी बातों को आपको जाप में ध्यान रखना पड़ेगा। मंत्र का जो जाप है वो दिन में भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। दीपावली से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक इस मंत्र का जाप करें, जल में केसर मिलाकर के ताम्र पात्र से भगवान शिव को जल अर्पण करें, अष्टमी को जप का दशांश हवन करें द्रव्य, तो इससे आपकी सारी जो कामनाएं हैं वो पूरी होगी। और अब कार्यक्रम के अंत में उन लोगों के लिए, उस अन्नदाता के लिए मंत्र मैं जानना चाहूंगी जिसकी वजह से हम आप सभी लोग जो हैं वो जीवित रहते हैं, यानी किसान के लिए मंत्र। क्योंकि किसान अगर अच्छी पैदावार करेगा, अच्छी फसल होगी तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे और हिंदुस्तान तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है। तो ऐसे में हमारे अन्नदाता के लिए
क्या मंत्र हो किसानों के लिए? बिल्कुल ठीक आपने पिनाश पूछा है, इससे पूरे वरी आने से ते प्रश्न कृतम लोक हितम नृप, आपने जो प्रश्न किया है पूरे जगत के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है, और उसका बहुत सरल सा मंत्र है, भगवती घंटा कर्ण का मंत्र है जो आपको बताता हूं मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं ओम घंटा कर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा, ये भगवती घंटाकर्ण का मंत्र है। सर्वप्रथम इस मंत्र को कैसे जपना, सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण का पंचोपचार पूजन करें और उसके बाद जप का आरंभ करें। ये आपको बता दूं कि सभी जो अभी तक मैंने मंत्र आपको दिए हैं उन मंत्रों का जब किसी को दीपावली से आरंभ करना है, किसी को ग्रहण में आरंभ करना है, लेकिन यह घंटाकर्ण भगवती का जो मंत्र है यह धन त्रयोदशी से इस मंत्र का आरंभ करना है जी। और 40 दिन तक इस मंत्र का जाप पहले 3 दिन करना है और उसके बाद अधिक। देखिए त्रयोदशी को, धन त्रयोदशी को इस मंत्र का जाप 40 माला करना है, उसके बाद नरक चतुर्दशी दूसरे दिन इस मंत्र का जाप 42 माला करना, और दीपावली की अर्धरात्रि में इस मंत्र का जाप 43 माला करना। इसको कहते हैं वृद्धि पाठ, किसानों की किस प्रकार से उन्नति होती है, किस प्रकार से आपकी खेती पैदाइश होती है, इसका प्रत्यक्ष आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा। मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाते, इस बात को पक्का अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए तो पंडित जी आपने हमारे स्टूडियो में आप आए और हमारे दर्शकों को ये तमाम मंत्रों के बारे में जानकारी दी और ये अचूक मंत्र इस दीपावली बताए जिनका मंत्रोच्चारण करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, धन संपत्ति आएगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी, यानी कि हर तरह से धन वर्षा होगी। तो ये महालक्ष्मी के महामंत्र जो करेंगे आपको मालामाल।